दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय शाइन क्लिनिक एंड वेलनेस सेंटर मेन बाजार गगल कांगड़ा। मंगलवार को वन मंत्री राकेश पठानिया ने गोपालपुर चिड़ियाघर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिड़ियाघर की व्यवस्थाओं को जांचा। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने गोपालपुर चिड़ियाघर में वानर नसबंदी केंद्र को बंद करने के लिए प्रस्ताव सौंपे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन क्षेत्रों में पहले बंदर नहीं होते थे, जब से गोपालपुर चिड़ियाघर में वानर नसबंदी केंद्र खुला है तब से बंदरों ने जीना दूभर कर दिया है। इस मौके पर बूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर, डीएफओ राहुल रोहाने, डीएफओ पालमपुर नितिन पटियाल, जिला परिषद सदस्य मंगला चौधरी और स्थानीय पंचायत प्रधान मौजूद रहे। निरीक्षण किया, आइए जानते हैं इसके बारे में। सर, बस एक पालमपुर एक सीएम साहब के विजिट पे आए थे, तो हमारे महामंत्री त्रिलोक कपूर जी के कहने पे मुझे आज यहाँ पे आने का एक चक्कर मारने का एक टाइम हमने आज थोड़ा सा राउंड लगाया। एक बार फिर मैं डिटेल में मैंने सारी ऑफिस की टीम को बुलाया है। 3-4 दिन में शिमला से पूरी टीम यहाँ पे चल कर आएगी और इसको एक अच्छा वर्ल्ड क्लास जू कैसे बनाया जाए और इसकी कैसे इम्प्रूवमेंट्स की जाए, क्या क्या इसमें और ऐड किया जाए ताकि एक खूबसूरत अट्रैक्शन बने पर्यटक के लिए, इस मामले में हमने इस बात को डिस्कस किया है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि यहाँ पे काफी बदलाव आएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोपालपुर से संजय सोनी और नगरी से कुलदीप सोनी की रिपोर्ट। हमारे यहाँ डे केयर, ऑल ब्लड टेस्ट, ECG, नेबुलाइजेशन, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट और प्रोसीजर पल्स डायग्नोसिस की सुविधा है। इसी के साथ स्त्री रोग जैसे कि गर्भाशय में रसोली, मूत्रमार्ग में संक्रमण, श्वेत प्रदर, गर्भाशय में सूजन, अनियमित मासिक धर्म इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। त्वचा से संबंधित रोग जैसे कि सोरायसिस, स्केबीज, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, एक्ने और ब्लेमिशेज इत्यादि रोगों का भी इलाज यहाँ किया जाता है। जोड़ों से संबंधित रोग जैसे कि संधिबात, आमबात, रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस, गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द इत्यादि का भी इलाज किया जाता है। सभी रोगों की पहचान नाड़ी देखकर और इलाज पंचकर्मा और आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है। क्लिनिक सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7018139637 पर संपर्क करें।